गाइस तुम लोग दे सकते हो यार भाई साहब। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, मैं स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। गाइस गाइस इस समय चला मॉर्निंग का टाइम है और गाइस आज अपना लोगों का यार काफी अच्छा दिन भी आ रहा है आज यार अपना त्योहार भी आ रहा है। सो गाइस आज है हमारे त्योहार मतलब चिल्लम। गाइस हमारे जो चिल्लम बोलते हैं हमारे मान लो इसी का मतलब की जैसे हमारे मुहर्रम होते हैं मतलब वैसे निकालते ना तो वैसे सेम इसी को मान लो आप सभी तो वैसे ही होता है ठीक है। तो गाइस इससे मतलब यार अभी चलो हो चला भी यार मॉर्निंग का टाइम और अभी जैसा थोड़ा धूप अब निकला है फिलहाल तो अभी यार और अभी निकलने के बाद। सो गाइस पता भी यार आज पूरा हाँ गाइस यार चलो देख लो भाई साहब यार हो चला मॉर्निंग का टाइम यार तीन दिन बोल दिया मैंने आप लोगों को समझाने के तीन दिन मॉर्निंग टाइम मैंने बोल दिया आप लोगों को। सो गाइस पता यार आज काफी अच्छा मौसम था मौसम में आज थोड़ा धूप खिला पुरा है आज पूरा फील्ड में आज पूरा ग्राउंड ऊपर सूख गया ना कल पानी पानी भरा था लेकिन आज ऊपर ऊपर ग्राउंड सूख चुका है और आज पूरा सुंदर सुंदर भी आज पूरे पहाड़ से बादल ढक चुके हैं वो पूरा सूख गया होगा जो लकड़ी का बुरा था ना जहाँ पे पड़ा था सफेद सफेद तो ये लो आप लोग कुछ पहाड़ टाइप का नहीं है मतलब ये कुछ ऐसे रहता है ना तो अभी फिलहाल फील्ड में कोई नहीं है फिलहाल तो भी यार और सब लोग। सो गाइस अपने धनों को हमने चमका के रेडी करे गाइस बिल्कुल मई मस्त हुई लिखने में और अभी अपने लोगों को चलना है कहीं अभी आप लोग बताता हूँ ब्लॉक में बराबर से पहले अभी तो फिर। सो गाइस पता है आज हमारे यहाँ का जो मतलब ऑपरेटर वाइटर होते हैं जो राइडर वाइटर राइडिंग वाइटिंग ब्लॉगिंग जो बनाते हैं ना राइडर्स की ब्लॉगिंग एक होता है मतलब जो हर नॉर्मल ब्लॉग बनाता है और एक बंदा वो होता है जो मतलब पूरा मतलब घूम घाम के राइडिंग ब्लॉग बनाता है। आज हमारे यहाँ के मतलब दादा UK07 राइडर मतलब जो हमारे मतलब उत्तराखंड के मतलब जो नंबर वन मतलब ब्लॉगिंग राइडर है ना तो आज पता है उनका जन्मदिन है गाइस यार। तो गाइस उन सब भाई सब उन्हें कहता हूँ हैप्पी बर्थडे भाई द बाबू भैया उन्हें उन्हें बाबू भैया के नाम से जानते हैं उनका वैसे पहला नाम उनका नाम वैसे साधारण होता है अनुराग ढोबागले तो ऐसे कुछ नाम होता है उनका नाम अनुराग ढोबागले लेकिन लोग भी जाता है UK07 राइडर और बाबू भैया के लोग नाम से जानते हैं। तो गाइस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से आप सभी ब्लॉग की तरफ से आप सभी को ढेर शुभकामनाएं हैप्पी जन्मदिन की। तो गाइस आज हम भी अपना मॉडल ब्लॉगिंग करेंगे आज पक्का यार और जब से मेरे को भी यार हैप्पी बर्थडे था बाबू भैया। तो गाइस इसे हम लोग जा रहे हैं संत नगर रेलवे स्टेशन वहाँ पर अपना ट्रेन पकड़ने के लिए और हमारे साथ में गली वाले भैया को जा रहे हैं चले बता यहाँ तो जा रहे हैं लाल अपन लोग अभी पता जा रहे हैं काम से मतलब घूमने के यहाँ आप लोग बताते ना मैं हम लोग बैठ से नहीं आ रहे इस वक्त हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बैठ गया आराम से पीछे पीछे यार और आप लोग देखो मजा आ रहा है मतलब आ रहा है और अभी हम लोग जैसे 5 मिनट पहुँच गए हम लोग अभी स्कैम पता क्या हुआ गाइस यार गाइस हम लोगों को लगा कि क्या नाम कि यार वो बंदा मतलब यार 15 रुपये मतलब उसने हमारे एक बंदे के उसने 15 रुपये चार्ज कर दिया हमें लगा कि 10 रुपये मतलब क्योंकि हर जगह 10 रुपये होता ना फिलहाल तो ना तो उसने पता हमसे मतलब 15 रुपये चार्ज कर लिए ना भाई यार ना उसने 15 रुपये ले लिए उसने वैसे हमसे आता यार एक खाली एक टिकट के लिए खाली एक खाली बंदे के लिए और अपने लाल को 10 रुपये एक बंदा बैठता है यहाँ पर पहले यहाँ पर था लेकिन अभी पहुँच गया लेकिन फिलहाल गाइस हम लोग अभी स्टेशन पहुँच चुके हैं और स्टेशन भाई 15 नाम पर जानते हो लोग अभी तो बस। सो गाइस हम लोग अभी फिलहाल अभी यहाँ पहुँच चुके थे मतलब यार मतलब स्टेशन पर तो स्टेशन पहुँचने बाद अभी हम लोग को टिकट लिया मैंने अब हम लोग टिकट लेने के बाद हम लोग जैसे यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा वेट करें ट्रेन का अब ट्रेन अभी फिलहाल थोड़ी आधे घंटे अभी आती है आने के बाद अपन लोग सीधा और बंदा पता है हम लोगों ने पता रिक्शा रोड के ले लिया पता नहीं ये भैया ने कहा कि यार रिक्शा रोड के ले लो तो चलो ठीक है रिक्शा रोड का ही ले लेते हैं फिलहाल तो अभी हम लोग तो अभी हम लोग थोड़ा ट्रेन का वेट कर रहे हैं और अभी आधे घंटे फिर आधे घंटे में अभी ट्रेन आने वाली है आधे घंटे में का 20। सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन के फिलहाल यार और अभी हमें ट्रेन मिल गई थी और ट्रेन आने के बाद अभी हम लोग जैसे भी जा रहे हैं बैठ साइड पर भी मिलते हैं और भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं भैया यहाँ पर अभी जाने वाले हैं और यहाँ हमारे जान बहन के बंदे एक और मिले तो पता है भाई साहब को बंदा पता है ट्रेन में रील बनाने के लिए दूर तक आ गया आगे रील बनाने के लिए बंदा वहाँ से मतलब लाल पता खाली यहाँ पर आकर रील बना ले रील बनाने के लिए बंदा यहाँ पर आ गया गाइस अभी अपन पहुंचने वाले नंबर 13 में और ट्रेन अभी खटाखट भरी पड़ी है साढ़े दो और यहाँ से वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है इतनी ज्यादा आ रहा है देखने मतलब आज तुम लोग हरी लाइट ही रहा है मतलब वही मुहर्रम होते हैं मतलब देखने आ रहा है इतनी ज्यादा भीड़ है भाई साहब यहाँ पर साइड से यार इतनी भीड़ भाई साहब यहाँ पूरा बहड़ी भाई पूरा जाम हो जाता है चक्कर में पूरा इनके चक्कर में पूरा बहड़ी जाम हो जाता है भाई साहब तुम लोग देख सकते हो यार भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ है भाई साहब फूट रहा ओ भाई साहब